सब्सक्राइब कीजिए शहर फैशन चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड, मैं हूं मोहम्मद इलियास, आप देख रहे हैं शहर फैशन। दोस्तों, सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेना है पट्टी की मदद से। सामने की तरफ भी हम निशान लगा लेंगे पट्टी के मदद से, 2 इंच पे निशानों को सीधा कर लेंगे। उसके बाद में हम नापेंगे अपनी लंबाई, जितनी हमारी लंबाई है उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। उसके बाद में इन निशानों को सीधा कर लेंगे, इसमें 1.5 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। उसके बाद में अपना शोल्डर नापेंगे, उसके बाद में हम अरमोल डाउन करेंगे, उसके बाद में हम कमर का निशान लगाएंगे, उसके बाद में हम जो नीचे से जो राउंड करेंगे उसका निशान लगाएंगे, फिर हम इन सब निशानों को सीधा कर लेंगे स्केल पट्टी की मदद से। फिर हम अपना चेस्ट नापेंगे, जितना हमारा चेस्ट है उसमें हम 4 इंच लोजिंग डालेंगे। सेम कमर में भी उतना ही लोजिंग डालेंगे 4 इंच, हिप में भी 4 इंच की लोजिंग डालेंगे। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। उसके बाद में सेविंग पट्टी लेके सेविंग पट्टी से इसका शेप देंगे हम हरमोल का इस तरीके से, और यहाँ पे कमर पे भी इस तरीके से ऐसे उल्टा रख के निशान लगा लेंगे। फिर पट्टी को पलट देंगे, इस तरफ से निशान लगा देंगे इसका। उसके बाद में हम इसका हाले का निशान लगाएंगे इस तरीके से। फिर हम इसका शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे। उसके बाद में हम नीचे जो ओपन करेंगे उसका निशान लगाएंगे। उसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे एकदम निशान पे। साइड में हम 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से फ्रंट हमारा कट गया है। कपड़े को हमने पलट लिया है, फिर फ्रंट पल्ले को उस पर रख के तकरीबन 1/4 इंच बाहर कर लेंगे फ्रंट को। उसके बाद में हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे, 2 इंच का ओवरलैप करेंगे शोल्डर में। उसके बाद में अपना शोल्डर नाप लेंगे, जितना हमारा शोल्डर है। उसके बाद में हम सेविंग पट्टी से रख के सेप दे देंगे। उसके बाद में हम बैक का हाला नापेंगे 1.5 इंच डाउन करके, इस तरीके से निशान लगा देंगे। उसके बाद में अपना शोल्डर नाप लेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं। उसके बाद में हम सेविंग पट्टी रख के इस तरीके से शेप देंगे, अरमोल का भी ड्राइंग कर लेंगे। उसके बाद में इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, हमारा बैक फ्रंट कटिंग हो गया है। फिर हम स्लीव की कटिंग करेंगे। सबसे पहले प्रेस लगा लिए कपड़े पे, फिर हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। उसके बाद में हम नापेंगे इसका लंबाई, जितना कि हमारा लंबाई है उसमें हम 1 इंच कम कर देंगे। उसके बाद में निशान लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद में हम इसका नापेंगे, हाँ इसका हम अरमोल डाउन का निशान 3.5 इंच पे लगाएंगे। इसके बाद में हम निशानों को सीधा कर लेंगे। इसके बाद में हम अरमोल का निशान लगाएंगे 8 इंच पे, और यहाँ पे जितना हमारा कफ है उससे 1.5 इंच लूजिंग डालेंगे। यहाँ पे कफ में एक चपटी लगती है प्लेट। इसके बाद में हम सेविंग पट्टी लेंगे और उसको रख के उसका आस्तीन का शेप दे देंगे इस तरीके से, एकदम बराबर बैठा के इसका शेप दे देना है। देखिए इस तरीके से निशान लगा दें, इस तरीके से निशान लगाने के बाद में हम इसका अरमोल
हाला नाप लेंगे कि हमारा हाला बराबर है कि नहीं। उसके बाद में हम इसका ड्राइंग कर लेंगे, बैक फ्रंट दोनों को कर लेंगे। फ्रंट में गड्ढा रहता है हाले में, इस तरीके से फिर हम एक बार चेक कर लेंगे कि बराबर है कि नहीं। तो ये हमारा एकदम बराबर है और हम इसकी कटिंग कर लेंगे एकदम मार्किंग के बराबर। ये देखिए यहाँ साइड में हम आधा इंच की सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे। उसके बाद में हम चाक पट्टी कटिंग करेंगे, इसको तोड़ के फिर 4.5 इंच पर निशान लगा के इस तरीके से चाक पट्टी को काट देंगे। उसके बाद में हम अपना बैक का शोल्डर, जो हमारा डबल शोल्डर लगेगा, उसको काट लेंगे इस तरीके से। देखिए बैक को रख के उस पर काट लेना है इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।